श्री हनुमान जी महाराज की सत्प्रेरणा से आचार्य स्वामी विवेकानंद जी रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण श्रीमद् भागवत के अद्वितीय वक्ता हैं। कथा की शैली आपकी बड़ी मधुर है, स्वर संगीत की मधुरिमा तो श्रवण करने लायक है। आप पर आपके सद्गुरुदेव भगवान की अक्षुण कृपा है और आपके पिताश्री का पूर्ण आशीर्वाद है। भारतवर्ष के कोने कोने में आपकी कथाएं होती रहती हैं। बचपन से आपने संतों के मध्य में, विद्वानों के मध्य में बैठ करके उनके चरणों की सेवा करके जो पाया है, जो अर्जित किया है, वो समाज को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, और समाज उनकी कथा श्रवण करके उनके प्रवचन से अधिक लाभ उठावे और भविष्य में भी इसी तरह से ये समाज को अपने वाणी का मंगल में लाभ देते रहें। भगवती सरस्वती श्री सीताराम जी महाराज श्री हनुमान जी महाराज की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे, ये मेरी शुभकामना है और यही मंगल कामना है। श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरूं करूं सुनहूं कथा करुगान सुनहूं कथा करुगान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन्कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बंदों तुलसी के चरण जिन्हकीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहाज। सिय राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। सरयू मैया की जय। सब संत समाज की जय। सब भक्त समाज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने माता पिता की जय। जय सीता राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा के परिणाम स्वरूप हम सभी सद्भागी जन श्री अयोध्या जी में माँ सरयू के पावन पुलिन तट पे श्री राम कथा की दिव्य महिमा का गान कर रहे हैं। राम कथा
जे सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन नाही, राम कथा तो सुनने के लिए। जैसे तन को स्वस्थ करने के लिए औषधि मुख से पी जाती है जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है, लेकिन मन को स्वस्थ करने के लिए औषधि सदैव कानों से ही पी जाती है। ये ऐसी औषधि है कि जिसके सुनने मात्र से ही जीव को विश्राम मिल जाता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि राम कथा को सुनने मात्र से विश्राम मिल जाता है। राम चरित मानस एहि नामा, 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 सुनत श्रवण पा विश्रामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा, राम चरित मानस एहि नामा, राम चरित मानस एहि नामा। ये रामचरित मानस है, इसको सुनने से क्या होता है? बोले इसको सुनने से जीव को विश्राम मिलता है। विश्राम ऐसा शब्द है जहां पे विशेष आराम मिले उसी को विश्राम कहते हैं। आश्रम जानते हैं हम सभी लोग, आश्रम कहते हैं आह श्रमाह गताह आश्रम, जहां पे श्रम चला जाए वो आश्रम है, और जहां पे श्रम विशेष रूप से समाप्त हो जाए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तदधाम परमं मम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भाति कुतो यमग्नि, जहां जाने पर आना नहीं पड़े, जहां जाने के बाद फिर दोबारा इस धरती पे आना न पड़े, ऐसा ये धाम है श्री अयोध्या। और ऐसी परमात्मा की कथा है, जो इसको सुनता है वो वास्तव में उसके सारे कामना पूर्ण हो जाती। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक एक रामचरितमानस की चौपाई को इस तरह से क्रमबद्ध रूप से रखा है कि इसमें मुक्त, विरक्त और विषयी तीन प्रकार के श्रोताओं के लिए श्री राम कथा बड़ा विशेष लाभ देने वाली है। जो अमलात्मा हैं, मुक्त हो चुके हैं, उनके लिए यह कथा सुनने से उनको और आह्लाद मिलता है, उनको और शांति मिलती है। वो तो आत्मा राम है, कहीं भी विचरण करने में समर्थवान है, ऐसे अमलात्माओं के लिए भी श्री राम कथा परम लाभप्रद है। और जो विरक्त हैं उनको परमात्मा के पास ही पहुंचाती है श्री राम कथा। विरक्त का अभिप्राय विशेष रक्त जिनमें आ गया हो, यानी जिनके कर्ण कौरवों में ठाकुर जी की कथा का रस उतर चुका हो, ऐसे श्री ठाकुर जी की कथा का श्रवण करने से वे मुक्त हो जाते हैं। और तीसरे नंबर के श्रोता होते हैं विषयी, जो कामना लेकर के सुनते हैं कि मेरी ये कामना ठाकुर जी पूरा करें, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हमारे बेटे का बेटा हो जाए, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हमारे बेटे के बेटे का मुंडन हो जाए, हम श्री राम कथा सुनेंगे, हमारे जन्म दिवस में श्री राम कथा सुनेंगे। राम कथा को तो जैसे अवसर मिले वैसे सुन लेना चाहिए। नहीं कोई अवसर मिलता है तो चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, विभिन्न प्रसारण आदि के माध्यम से कहीं भी राम कथा मिले तो अवश्य सुनना चाहिए। इससे हम सब, आप सब का सौभाग्य वर्धन होता है। जो सकाम भाव से इस राम कथा को सुनते और गाते हैं, बाबा जी लिखते हैं, जे सकाम नर सुनहि जगावै, 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 सुख संपत्ति ना विधि पावै, सुख संपत्ति ना विधि पावै, जे सकाम न
सकाम भाव लेकर के इस परम पुनीत ग्रंथ श्री रामचरितमानस का श्रवण करता है, मनन करता है, अभ्यास करता है, गाता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती। ये हम नहीं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं, बल्कि स्वयं भोलेनाथ ने इस मानस की रचना की है। ओ वे कहते हैं, कथा प्रारंभ होती है श्री राम कथा। राम कथा में 7 श्लोक है प्रारंभ में, वर्णानाम अर्थ संघानाम से लेकर यत पाद प्रवमेक एव भवाम बहुदे स्थितिर्षावताम गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। हम आप प्रसंग में प्रवेश करते हैं। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी जब किसी विशेष घटना की ओर संकेत करते हैं तो वहां शब्द लिखते हैं एक बार। आइए हम सब लोग प्रयागराज में पहुंचते हैं, जहां पे श्री याज्ञवल्क जी महाराज ने श्री भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुनाई है। राम कथा के 4 घाट हैं, राम कथा के 4 घाट हैं, घाट मनोहर 4। कौन कौन से घाट हैं? बोले पहला घाट ज्ञान घाट, दूसरा घाट कर्म घाट, तीसरा घाट उपासना घाट और चौथा घाट शरणागति घाट। ज्ञान घाट के वक्ता श्रोता भगवान शिव और पार्वती हैं, श्रोता पार्वती जी हैं और वक्ता भगवान शंकर हैं। कर्म घाट के वक्ता महामुनि याज्ञवल्क जी हैं और श्रोता श्री भरद्वाज जी हैं, जो कि प्रयागराज में सुन रहे हैं कथा। तीसरे वक्ता हैं पक्षीराज गरुण जी, श्रोता हैं और वक्ता हैं श्री काकभुसुंडी जी, जो नीलगिरी पर्वत पे नित्य श्री राम कथा का गायन लाभ लेते हैं। चौथे वक्ता हैं हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और श्रोता हम सभी संत समाज, हम सभी सज्जन जो भी इस राम कथा को सुन रहे हैं वे सब भगवान के श्रोता हैं। संत के समागम से कथा का प्रभाव बढ़ जाता है। जहां संत मिल जाएं वहां कथा का आनंद ही बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि हम लोग संतों के समीप जाएं। आज 2 संत मिले हैं और जहां संत मिलते वहीं भगवंत की कथा प्रारंभ हो जाती है। इसलिए हम सभी लोग चलें, संतों के साथ में रहें, क्या मिलेगा। कभी कहते हैं संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। किसकी किसकी बन गई जो हमारी आपकी बनेगी, तो प्रमाण देते हैं। क्या ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, और हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। और क्या करते हैं संत जन,
कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे, कागा से तोहे हंस करेंगे। हम लोगों का जो कौवा का स्वभाव है ना, काव काव करना, संसारिक बातों को प्रपंच को गाना, ये कौवा का स्वभाव है। और ठाकुर जी का नाम जपना ये हंस का स्वभाव है। जैसे हंस के अंदर गुण होता है कि वो दूध दूध पी लेता है और नीर छोड़ देता है, नीर क्षीर का विवेक हंस में है। तो हम लोगों के मन की कलुषता को दूर कर, और क्या करते हैं संतजन, बोले उसको निर्मल हंस कर देते हैं।